نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. जब हम ज़िंदगी में अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहने की बात करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें हर हाल में मुस्लिम बनकर रहना है. मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता था अरब में कि जो फरमाबरदार हुआ करता था, यानी ऐसा ऊँट जिसको जहाँ बिठा दिया जाए वो वहीं बैठ जाए और जहाँ खड़ा किया जाए, जहाँ चलाया जाए वो चल पड़े. रवियों में ऐसी अतात आ नहीं सकती जब तक हम अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस न कर दें. खाली के कायनात के अलावा किसी रिश्ते, किसी ताल्लुक़, किसी उम्मीद, किसी बंधन में इतना ज़ोर नहीं कि वो किसी को इतनी अतात पे ताउम्र कायम रख सके. ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली के कायनात के साथ ही बंदे का रिश्ता है कि जब वो उस रब पर तवक्कुल कर ले तो हर हर हाल में वो बर्दाश्त का मामला करे अपने रब के लिए, अपने रब की रज़ा की खातिर. हम कुछ भी बर्दाश्त कब कर सकते हैं? जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं. यानी कोई सहारा होता है जो हमें बर्दाश्त करने पर उभार रहा होता है और वो तवक्कुल का सहारा होता है कि हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दी चीज़. और जब हम अपने दिन रात, अपने सुबह शाम, अपने आमाल अफ़आल, अपनी आदात, अपनी बातें, अपनी डीलिंग्स अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे होते हैं तो फिर नापसंदीदा हालात, नापसंदीदा सिचुएशंस और नापसंदीदा उमूर में हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए मनफी रिएक्शन से बच जाते हैं. तो जिसका तवक्कुल जितना मज़बूत होता है उतना उतना उसका अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बिल्लाह मज़बूत होता है और उतना उतना फिर वो उस ताकत के तहत बाकी चीज़ों को या नाकाबिले कबूल चीज़ों को बर्दाश्त करने की हिम्मत अपने अंदर पा लेता है. बनी इसराइल का एक वाक्या है. एक शख्स ने किसी दूसरे इंसान से कर्ज़ मांगा तो कर्ज़ मांगते हुए कर्ज़ देने वाले ने कहा कि अपना कोई गवाह लाओ. और उसने कहा कि मेरा गवाह बस मेरा खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, मेरे पास कोई गवाह नहीं है. तुमने देना है तो अल्लाह पे ट्रस्ट करके दे दो. और उसके बाद जो देने वाला था उसने कहा कि चलो कोई ज़ामिन ले आओ जो थोड़ी सी तुम्हारी ज़मानत दे दे. उसने फिर कहा कि मेरा ज़ामिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है. ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा जिसको तुम ज़ामिन बना रहे हो मैंने उस पर यकीन किया. और उनके दरमियान डील फाइनल हो गई और वो कर्ज़ लेकर जो कर्ज़दार इंसान था वो चल पड़ा और उसके बाद वो एक सफरी समंदर पर रवाना हो गया. समंदर को यानी सफ़र करने के बाद जब वो दूसरी तरफ पहुंचा, वादे के मुताबिक जो दिन था, जो वक्त था जिस पे उसने उसे लौटाना था, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कोई कश्ती नहीं है, कोई जहाज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो वो जाकर और लौटा सके अपनी वादे के मुताबिक अपनी चीज़ को. तो उसने सोचा कि मेरा ज़ामिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उस पर तवक्कुल करके उसने मुझे दिया था और उसी पर तवक्कुल करके ही, यानी उसी को गवाह बना के ही हमने ये स्टेप उठाया था. तो उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसने एक लकड़ी ली और उसको उसके अंदर जो भी दिरहम दिनार वगैरह थे वो डाले और साथ ही एक रुका लिखा कि इस तरह से मैं
अपने मुकर्रा वक्त पर वादे के मुताबिक मौजूद था, मगर मुझे कोई चीज़, कोई कश्ती, कोई जहाज़ नहीं मिला जिसकी वजह से कि मैं तुम्हारे पास लौटा के तुम्हें वापस करूं। तो मैंने ये अब इसी लकड़ी के अंदर डाल के तुम्हें भेज रहा हूँ। और उसने अल्लाह पे तवक्कुल करके वो लकड़ी दरिया में बहा दी। दूसरी तरफ जो कर्ज देने वाला था उसने सोचा कि उस शख्स ने अल्लाह को ज़ामिन बनाया था और मैंने अल्लाह पे तवक्कुल करके उसको दे दिया था, तो अब जो है आज का वादा है तो मैं जाऊं और देखूं कोई जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है या कोई कश्ती आई है, कोई मुसाफिर आए हैं, तो उनमें वो शख्स मेरा माल वापस करने के लिए आया होगा। तो क्या देखता है कि कोई जहाज़ भी लंगर अंदाज नहीं हुआ और कोई कश्ती नहीं है और कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उससे क्या किया कि सोचा कि चलें अब और तो कुछ नहीं है, एक लकड़ी पड़ी हुई है, मैं इसी को ही उठा लेता हूँ, घर जाके चलो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर लूँगा। उसने वो लकड़ी उठा ली। लकड़ी उठा के घर जाके जब उसने उसे तोड़ा इस नीयत से कि मैं उससे चलें कोई काम ले लूँ, तो उस लकड़ी के अंदर से वो रुका भी निकल आया ख़त, और साथ ही उसकी जो अमानत थी वो भी मिल गई उसको। सब्र इस चीज़ का नाम है कि इंसान अपने आप को एक सिचुएशन में मजबूत कर ले, बर्दाश्त कर जाए, तवक्कुल करके डिसीजन कर ले। वो फैसला चाहे मनफी रद्द अमल से बचने का हो, चाहे अपने आप को मजबूत करने का, या किसी भी तरह से कोई फैसला लेने का, लेकिन वहां वो अपने आप को कुछ बर्दाश्त करके और मजबूत करता है, तभी वो उस मकाम पर ठहर सकता है। इंसानी जिंदगी में जितनी भी दुख तकालीफ या महरूमियां आती हैं, उन सब पर बर्दाश्त और सब्र का रद्द अमल वही शख्स कर सकता है जिसका अल्लाह पर अनदेखे रब के तौर पर तवक्कुल हो। क्योंकि हम सब ईमान बिलगैब रखते हैं ना, फिर हम कहते हैं कि मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह के लिए, अल्लाह को देखा नहीं होता, बज़ाहिर हम आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकते, मगर उस अनदेखे ईमान के तहत जो हमारा उसके साथ एक ताल्लुक और रिश्ता होता है, वो हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, और इसी चीज़ का नाम सब्र है। सब्र के लुग़वी मतलब है खुद को रोक लेना, थाम लेना, जिंदगी में पेश आने वाले हर किस्म के नापसंदीदा नामुवाफिक हालात को तमाम परेशानियों या मुसीबतों और महरूमियों समेत महज अल्लाह सुबहाना तआला की खातिर बर्दाश्त करना, और उन पर अपने नफ्स को फिर कोशिश के साथ बेचैनी, बेकरारी और बेकाबू होने से रोक के रखना, ये सब्र है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सब्र का जहाँ जहाँ भी जिक्र करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो सब्र और नमाज से मदद लो, बर्दाश्त करने के लिए कोई मदद चाहिए, हम कुछ उस मौके पर बर्दाश्त कर चाहें, हमें हेल्प चाहिए, और वो हेल्प हमें किस चीज़ से मिलती है, नमाज से और सब्र से, खुद को थाम लेने से। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नमा युवफ्फा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाता है। बहुत सी आयात हमें सब्र की फजीलत पर मिलती हैं जिनमें सब्र का अजर और फजल जिक्र किया गया है। सूरह रअद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उकबद्दार, इनके पास हर दरवाजे से फरिश्ते आएंगे और कहेंगे तुम पर सलामती हो, क्यों, सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दार आखरत का। इल्लल्लज़ीना सबरू वअमिलुस्सालिहात उलाइक लहुम मग़फिरतुन वअज्रुन कबीर, सूरह हूद, जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए ये वो लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बड़ा इनाम है। उलाइक युजज़ौनुल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू, उनको बेशत का झरोका मिलेगा सब्र के बदले, ग़ुरफ़ा। फिर इसी तरह से अहदीस मुबारका में भी सब्र की बहुत फजीलत बयान हुई है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं,
फिर आप ये देखिए कि सब्र के बारे में जो हमारा अहादीस में हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया ना, वो क्या है कि सब्र आधा ईमान है। फिर सब्र करना एक रोशनी है, यानी एक स्ट्रेंथ है, एक लाइट है, एक विल पावर है जो इंसान के अंदर होती है, और ये इंसान के अंदर की मजबूती के साथ मुमकिन है। जब भी कोई मुसलमान किसी भी हवाले से जिस्मानी तौर पे, जहनी अजियत में या जिस्मानी तकलीफ में, किसी रंज गम दुख के मौके पर, इवन किसी जज्बाती कैफियत में, यहाँ तक कि एक कांटा भी अगर किसी को चुभ जाता है और उस पर सब्र कर लेता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। हद तशव का तयशाकुहा, एक कांटा चुभने की जो तकलीफ है वो भी अजर का बाइस है, उस पर भी अजर होता है अगर इंसान ये बात अपने जहन में बिठा ले। किसी तरह की भी तकलीफ, कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है आपको, इमोशनली आप किसी ऐसी तकलीफ़ का शिकार हो गए हैं, जिस्मानी तौर पे आप किसी दर्द को सह रहे हैं, ये सब का सब अजर का बाइस है। फिर कुछ मवाक़े कुरान और हदीस में हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें ख़ास तौर पर जिनका जिक्र है कि उन पे सब्र जो है वो ज़रूरी है और उस पर अजर है। जैसे बिनाई से महरूमी पर सब्र है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीसें कुदसी सुनी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, जब मैं अपने बंदे को उसकी दो महबूब चीज़ों में मुबतला कर दूँ, यानी आँखों की बिनाई जाती रहे और उस पर सब्र करे, तो मैं इसके इवज़ इसको जन्नत अता कर देता हूँ। क्योंकि हम आँखों के ज़रिए दुनिया की जन्नत देखते हैं ना, कलर्स देखते हैं, खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, आँखें ठंडी करते हैं रिश्तों से, चीज़ों से, मनाजिर से। तो जब कोई इंसान दुनिया में इन चीज़ों से महरूम किया जाता है, तो अल्लाह सुबहाना उताला उसको आखरत में क्या कहते हैं कि मैं उसके बदले उसे जन्नत दूंगा। फिर इसी तरह से सब्र जो है वो जिस्मानी बीमारियों में, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में जब दरियाफ़्त किया गया, तो आपने फ़रमाया, ताउन अज़ाब इलाही था, अल्लाह इसे जिन लोगों पर चाहता मुसल्लत कर देता था, अल्लाह ने इसको ईमान वालों के लिए रहमत बना दिया। बस जो मोमिन इंसान ताउन की बीमारी में मुबतला हो जाए, वो सब्र और तलबे सवाब की नीयत से अपने शहर में रहे और इस बात पर यकीन करे कि अल्लाह ने जो उसके लिए लिख दिया वो उसको पहुंच कर रहेगा। ये है वो तवक्कुल। ऐसा करने वाले को शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। शहीद शहादत देने वाला होता है ना, गवाही देने वाला होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई मालिक इस कायनात में, कोई और ताकत इस काबिल नहीं कि मैं अपना पूरा का पूरा अपना आप उसके आगे सरेंडर कर दूं, इल्लल्लाह। तो अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी, उसके काम में मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, तो ये गवाही है, वो शहीद है कि वो मालिक है, वो इस काबिल है कि उसके आगे झुक जाया जाए। फिर इसी तरह मिर्गी के दौरे पर सब्र के बारे में भी हमें हदीस मिलती है। एक सयाफ आम औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और मैं खुल जाती हूँ, यानी मुझे कपड़ों का होश नहीं रहता, बेपर्दा हो जाती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए अल्लाह से दुआ की, क्या कहा कि मेरे लिए आप दुआ कीजिए। आपने फरमाया, अगर तुम सब्र कर सको तो इसका सवाब जन्नत है, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह से तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। उसने कहा, मैं सब्र करती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं बेपर्दा ना हो जाया करूं। तो आपने इसके लिए दुआ फरमाई। इस हदीस से हमें एक और चीज़ भी मिलती है कि सब्र एक इख्तियारी रवैया है, सब्र एक कमिटमेंट है, सब्र अपने आप के साथ एक डील है, सब्र अपने आप के साथ चुन के लिया जाने वाला, इख्तियार करके, चॉइस के साथ लिया जाने वाला एक अमल है, जिसको इंसान अपनी चॉइस के साथ ज़ाती तौर पर अपने लिए सिलेक्ट करता है कि मुझे क्या रवैया इख्तियार करना है, मुझे कैसे रहना है। इस सयाफ आम औरत के बारे में हमें अहादीस भी मिलती हैं, कि अहादीस भी मिलती है, और उसमें इसके बारे में जो हमें डिटेल मिलती हैं कि
मफहूमन आपको बता रही हूँ कि जब ये सियाफ़ाम औरत गुजरती आती जाती तो सहाबा कराम इसको देख के रश किया करते थे कि ये वो औरत है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के डील किया है, ये जाएगी तो सीधी जन्नत में जाएगी। इसने उसको इख्तियार कर लिया है कि मैंने ये करना है। तो बाज़ औक़ात ज़िंदगी में आपकी कोई सिचुएशंस, देखिए इसकी जिस्मानी बीमारी थी, हो सकता है आपकी कोई ज़हनी अज़ियत ऐसी हो, कोई जज्बाती अज़ियत ऐसी हो, कोई जज्बाती कमी हो, कोई आपकी नफ्सियाती कमी हो, कहीं से साइकोलॉजिकली आपको हेल्प नहीं मिल रही, कहीं मेंटली आपको टॉर्चर किया जाता है और आप उस पर अपने आप से प्रॉपरली बात कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कोई वाक्या, कोई रिश्ता, कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं तो आप अपने आप से प्रॉपर बात कर लेते हैं कि मुझे नेगेटिव नहीं होना है और मुझे काटना भी नहीं है और मुझे छोड़ना भी नहीं है, मुझे दूर भी नहीं करना है। तो ये वो सब्र इख्तियारी, इन्होंने जिस्मानी सेहत पर ये कमिटमेंट की ना अपने साथ, इसी तरह इमोशनली भी आप अपने आप से प्रॉपर बात कर लेते हैं और उसको इख्तियार करते हैं कि इस पे मुझे अजर है, और फिर सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होते, फिर उसका अजर कहीं और से नहीं चाहते, फिर उसकी उसकी मिठास आप किसी रिश्ते में भी नहीं ढूंढते कि मुझे इसका जो अजर है या इसका जो मुझे एक होना चाहिए रिवार्ड वो शायद कहीं से मिले, वो आप कहीं से भी नहीं चाहते। ये है इल्लल्लाह इल्लल्लाह लिल्लाह। जब हम इस बात को मान लेते हैं कि सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं, तो फिर जो भी है वो अल्लाह के लिए। आप अच्छा बर्ताव कर रहे हैं लेकिन जिसके साथ कर रहे हैं उससे चाह कुछ भी नहीं रहे, उससे उम्मीद नहीं लगा रहे, क्योंकि आपने किया किसके लिए? लिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी बीमारी पर तो दिया ही दिया हमें, ये एक मिसाल हमारे सामने है, लेकिन हम सब समझते हैं कि जिस्मानी जो बीमारियां हैं या जो फिज़िकल टॉर्चर है उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इमोशनल टॉर्चर। ऐसे है मसलन आपको एक चोट लगी, एक चोट जिस्म पे लगी, कहीं पेन हो रही है, आप गुजर रहे थे रास्ते में, आप गिर गए और गिर के आपके हाथ में बड़ी कोई कीमती चीज़ थी वो टूट गई, तीन नुकसान हुए आपके, माली, जिस्मानी और एक और भी हुआ है, वो कौन सा हुआ है? ज़हनी। सबसे पहले आप क्या करेंगे उठते ही? मसलन जी फातिमा, यस, जो चीज़ टूट गई वो भी गई, वो भी नुकसान है, चोट लगी, कहीं दर्द भी हो रहा है, लेकिन उठते ही आप पहले ये देखेंगे कि मुझे गिरते हुए किस किसने देखा। तो जो इमोशनल या मेंटल टॉर्चर होता है, पेन होता है, उसको कंट्रोल करना, वहाँ सब्र कर लेना, वहाँ ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर इंसान वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ देता है, ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। ताकतवर कौन है? अपने आप को काबू में रखे। हालांकि जिस्मानी तौर पे मजबूत होने की वजह से वो पिछाड़ सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ताकतवर नहीं कह रहे। ताकतवर किसको कह रहे हैं? जो यहां से ताकतवर है, जो यहां से ताकतवर है। मुआज़ बिन अनस बयान करते हैं, रसूल सल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्से को पी जाता है हालांकि वो इसको नाफिज करने पर कादिर था, तो रोज़े क़यामत अल्लाह सुबहाना व तआला इसे तमाम मखलूकात के सामने बुला कर इख्तियार दे देंगे कि हूरों में से जिसे चाहो पसंद कर लो। हम गुस्सा निकालना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अपना आप छोटा लगता है, अगर मैं यहाँ चुप हो गई, अगर मैंने जवाब ना दिया, अगर मैंने कोई रिएक्शन शो नहीं किया तो शायद मुझे कमज़ोर समझा जाएगा, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मुझे बात करनी नहीं आती। तो इसका अजर क्या है?
कि उसको सारी मखलूक के सामने बुलाकर ये इख्तियार दिया जाएगा कि अब चूज कर लो। ये सब्र, ये बर्दाश्त, ये कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ गहरे ताल्लुक के बगैर मुमकिन नहीं, और इस पर इस्तकामत, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूसली इस पैटर्न को ज़िंदगी में लेके चलना, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत का एक ख़ास ताल्लुक, तवक्कुल का, वो बिल्ड करना ज़रूरी है। इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह। फिर सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, बेशक इसके हर मामले में खैर है, ये सिर्फ मोमिन ही के लिए है। खुशी पहुंचती है तो शुक्र अदा करता है और उसके लिए खैर है, तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, उसके लिए खैर है। ये रवैया कि हर हाल में खुश रहना, मुतमईन रहना, तकलीफ़ में भी, खुशी में भी, नुकसान में भी, फ़ायदे में भी, मिलने पे भी, बिछड़ने पे भी, आने पे भी, जाने पे भी, दिल का पुरसकून होना, ये सब्र की गहरी कमिटमेंट के साथ ही मुमकिन है, और अल्लाह के साथ एक डीप डाउन ताल्लुक के साथ मुमकिन है। वो जैसे सल सालिहीन में से कोई थे जिनको इतला दी गई कि आपके बहुत सारे कोई बहरी जहाज़ जो हैं वो डूब गए हैं, तो जिसने इतला दी आकर तो उसने बताया कि बहुत सारा लॉस हो गया, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद कोई और शख्स भागता भागता है, नहीं नहीं वो खबर झूठी थी, वो हमारे नहीं थे, किसी और के थे, आपके जहाज़ लंगर अंदाज हो गए, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछने वाले ने पूछा कि वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, यस, मिलने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, बिछड़ने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुमकिन नहीं है जब तक हम इस बात को सोच न लें कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी प्लान की हुई है, मैप पूरा बना हुआ है, बस मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो मेरा बुरा चाह नहीं सकता। अगर मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही तो और बात है, तो उस पर मैं सब्र कर लेता हूँ, हो सकता है इससे बड़ी कोई चीज़ मेरी मुंतज़िर हो। फिर उसैद बिन हुज़ैर बयान करते हैं कि अंसार में से एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गवर्नर बना दीजिए, जैसा कि आपने फलां शख्स को गवर्नर बनाया है। आपने फरमाया, सुनो, तुम मेरे बार तरजीही सलूक देखोगे, प्रायोरिटी दी जाएगी, बस तुम्हें सब्र करना होगा यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात हो। तो इमोशनली या मेंटली डिस्टर्बेंस में एक बहुत बड़ी जो चीज़ हमें फेस करनी पड़ सकती है वो ये है तरजीही सलूक। आपकी नज़र में आपके साथ वो सलूक रवा रखा जा रहा है जिसको आप डिज़र्व नहीं करते, और किसी और के साथ वो सलूक रवा रखा जा रहा है जो वो डिज़र्व नहीं करते। मैं बहुत अच्छा हूँ, उतना अच्छा मेरे साथ कोई नहीं है, फलाँ इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसके साथ इतने अच्छे हैं सारे, या मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला और जिसको जो मिल गया वो उसके काबिल नहीं था। तो सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली भी और इमोशनली भी, जो चीज़ें आपको बर्दाश्त से बाहर लगें उन पर सब्र, और कहाँ तक सब्र, कब तक, हौज़े कौसर पे मुलाकात तक सब्र, मनफी रद्द अमल से बचना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जज़ा नहीं कि जब मैं उसका कोई अज़ीज़ दुनिया से उठा लूँ और उस पर सब्र की नीयत से वो सवाब की नीयत से सब्र कर ले। यहाँ पे भी जज्बाती चोट लगती है ना। फिर दुश्मन से मुकाबले पर सब्र, जंग-ए-बदर के हवाले से हमें अल्लाह ताला कुरान पाक में बताते हैं,
ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन को जिहाद का शौक दिलाओ, अगर तुम में 20 सबर करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब रहेंगे, इस वास्ते कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में नातवानी है, बस अगर तुम में से 100 सबर करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब होंगे, और अगर तुम में से 1000 सबर करने वाले होंगे तो अल्लाह के इज़्ज़त से वो 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। साबिर इंसान एक नहीं दो है, उसकी कुव्वत डबल है। सब्र करने वाला आपको डबल प्रोडक्शन दे सकता है, सब्र के बगैर आप आधे रह जाते हैं। सब्र आपके कामों की अफादियत को यूं बढ़ा देता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए खालिस हम कर नहीं सकते जब तक हम सब्र करने वाले ना, हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त ना हो। अब्दुल्ला बिन अबी औफा बयान करते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के मुकाबले में थे और सूरज के ढलने का इंतज़ार फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया, ऐ लोगों, दुश्मन के साथ जंग करने की तमन्ना ना करो, अल्लाह से सलामती का सवाल करो, फिर जब तुम्हारा उनसे मुकाबला हो ही जाए तो डट जाओ, सब्र करो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, ए किताब यानी कुरान नाजिल फरमाने वाले, या मुंजिल अल किताब व मुजरी सहाब, बादलों को चलाने वाले, अहजम अल अहजाब, लश्करों को शिकस्त दे दीजिए और उन पर हमें गालिब फरमाइए। सब्र के बगैर ये दुआ नामुकम्मल है। आपने पहले सब्र की तलकीन की, उसके बाद अचीवमेंट की बात की। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने कामों में कामयाबी चाहते हैं तो पहले सब्र कीजिए, हिम्मत कीजिए, कुव्वत दिखाइए, बर्दाश्त लानी पड़ेगी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह की पसंद के मुताबिक और अल्लाह के हुजूर और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है। फिर इसी तरह नागहानी मौत पर सब्र, मौत पर सब्र करना बहुत हिम्मत का काम है। यानी मौत एक ऐसी चीज़ है जो सारे नुकसानों में से सबसे बड़ा नुकसान है ना, यानी ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जाने वाले जाते हैं फिर कभी वापस नहीं आते। बसा औकात मौत का ज़ाहरी सबब बिल्कुल नागहानी आफत हो सकती है, मसलन अचानक एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, कोई तबी तकलीफ़ इसका बहाना बन सकती है। तो इस हवाले से मुतासरीन पर इनके असरात भी मुख्तलिफ होते हैं। तो तभी मौत के लिए मरीज़ के घर वालों की कुछ ना कुछ जहनी और मादी तैयारी होती है। एक शख्स बीमार है तो उसके बारे में दिल में एक डर बैठा होता है, एक सोच ख्याल। लेकिन नागहानी मौत अचानक लवाहिकीन के लिए कबूल करना, तकलीफ़ दे और उसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल तरीन लम्हा हो सकता है। तो इस किस्म के परेशान कुन और अचानक वाक़े होने वाले हादसे अक्सर इंसान उसमें हवास बाख्ता हो जाता है, उसके अंदर अक्ल होश नहीं रहती, और ये अलमिया, ये इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट उसके लिए एक आजमाइश बन जाता है, तराजू बन जाता है। लेकिन अगर मुसलमान की ज़िंदगी की इमारत दीन की बुनियादों पर इस्तवार हो, अपनी आदात की बुनियाद उसने अल्लाह की रज़ा और शरीयत के आकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन और आपके तौर तरीके और आपके अतवार चुन के रखी हो, फिर ऐसा कोई हादसा इस इमारत को मुनहदिम नहीं होने देता। अगर ये बुनियादें कमज़ोर हों, हमने अपनी आदात बनाई वक्ती तौर तरीकों यानी वक्ती चीज़ों को देखकर, मसलन किसी को देख के आप अच्छे हो गए, तो ये आपके अच्छे होने की जो दीवार बनी है ये फ़ौरन ढह जाएगी जैसे ही सामने वाला आपके साथ बुरा करेगा, इमारत गिर जाएगी। अगर इमारत कमज़ोर होगी तो ज़िंदगी की इमारत में दरारें जल्द ही उसकी शिकस्तगी का बाइस भी बन जाएंगी। तो अपने अजीज़ की जुदाई पर कर्ब अज़ियत में मुब्तला लवाहिकीन को इस्लाम सब्र और बर्दाश्त की हदायत देता है,
उस पर अजर की नवीद देता है। आँखों के आंसू और दिल के गम का इलाज नहीं, क्योंकि ये फेल बे इख्तियारी है, मगर मशीयत इलाही पर नाराज़ होकर ज़बान को बेकाबू करना, उसको नूहा और बैन की शक्ल देना, ये मना है, और इन पर कोशिश के साथ काबू पाना ये सब्र है। अपने साहबजादे इब्राहीम रज़ी अल्लाह की वफ़ात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने गम और रोने की कैफियत इन अल्फाज में हमें बताई है ना, आँख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, लेकिन ज़बान वही कलमा बोलेगी जिससे हमारा रब खुश होता है। ये है सब्र का तरीका। आँख में आंसू आ सकते हैं, दिल में गम की कैफियत पैदा हो सकती है, मगर ज़बान का अमल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है। फिर इसी तरह से साथी की वफ़ात पर सब्र। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुभानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मोमिन के अहले दुनिया में से किसी का जिगरी दोस्त ले लेता हूँ, फिर वो अजर और सवाब की नीयत से उस पर सब्र कर लेता है, तो ऐसे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत से कम कोई जजा नहीं। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। आपको जब वफ़ात की खबर मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐसे साथी की कि जिसको आपने सारी उम्र मदद देने में, उनकी हेल्प करने में, दोस्ती निभाने में, उनका ख्याल रखने में, उनकी हिफाजत करने में, इवन उनको कम्फर्ट देने में, सफ़र हज़र में उनको साथ देने में कोई कसर नहीं उठा रखी, बग़ैर कहे बग़ैर बोले हर सिचुएशन को समझ लिया था, लेकिन उसी साथी के बिछड़ने पर, जुदाई पर और लंबी जुदाई पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो हमें रिएक्शन मिलता है वो वाकई है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन ला शरीक ला व बिज़ालिक उमर्त व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के रिएक्शन को देखते हुए जिस तरह मुसलमानों को खुतबा दिया और खुतबे के बाद उनको वापस इकट्ठा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाके पेशानी पे बोसा दिया और फरमाया, कद खलत मिन कबले रसुल अफ़ाइमाता अव कुतिला इनकलबतुम अला आकाबिकुम उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, चले गए। ये आयात उस मौके पर हज़रत बकर की सिलेक्शन, जबकि नाजिल बहुत पहले हो चुकी थी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मुझे ऐसे लगा उस मौके पर यह आयात सुन के पहली मरतबा सुन रहा हूँ। किस दिल की च्वाइस हो सकते हैं उस वक्त ये कलिमात, किसके जहन में आ सकते हैं जो दोस्त से दोस्ती भी उसके महबूब की खातिर करे, तभी वो उस पर सब्र कर पाता है। जो इस चेन को, इस डायरेक्शन को, इस ट्रैक को, अपने किबले को बिल्कुल दुरुस्त रखना जानता हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका, रसूलुल्लाह से आपकी मोहब्बत अल्लाह की खातिर थी, आपकी इत्तबा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से थी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, आपने सारी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, आपकी मौत पे सब्र भी उन्हीं की इत्तबा में किया, अल्लाह की मोहब्बत में। तो ये कुव्वत, ये बर्दाश्त, ये अल्लाह की मोहब्बत के साथ ही आता है। फिर आप इतने अजीज साथी के बिछड़ने पर भी हवास बाख्ता नहीं होते, बल्कि आपको अल्लाह का कलाम वापस सामने आ जाता है। और आप देखिए कि जब किसी ऐसे नागहानी कैफियत का शिकार होते हम, तो हमें समझ नहीं आती हम बोलें क्या, करें क्या, ढूंढें क्या, रखें क्या, उठाएं क्या, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, तो इतनी हैरानी होती है, कभी तो दिल इतना परेशान होता है। लाइट चली जाए तो फिर आप सिर्फ अपनी कौम का मिजाज देखें, सिर्फ लाइट चली जाए, कुछ भी ना हो, क्या करते हैं सारे, किस चीज़ का नाम देंगे इसको, किस चीज़ का नाम है ये, ये क्या है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह, ये है।
हम जिस्मानी या जहनी या जज्बाती तकालीफ में क्यों नहीं सब्र कर पाते? क्यों नहीं हमारे अंदर वो गहराई, वो डेप्थ, वो हिम्मत, वो तसलसल एकदम कैसे टूट जाता है? क्योंकि कनेक्शन ही सही नहीं जुड़ा होता और उतना मजबूत भी नहीं होता जितना रिक्वायर है, और प्रैक्टिस में भी नहीं होता कि एंड टाइम पे काम आ जाए। और छोटी छोटी तकालीफ और छोटे छोटे मौकों पे उसको इस्तेमाल नहीं किया होता कि बड़े मौके पे वो हाथ में रह जाए। फिर इसी तरह दोस्त की जुदाई और फिर औलाद की जुदाई, ये ऐसी जुदाइयां हैं जिन पर बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों के लिए अजर की बातें की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान के 3 नाबालिग बच्चे फोत हो जाएं, अल्लाह सुबहाना व तआला इन बच्चों पर अपनी रहमत की वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं, बशर्तिया के वो सब्र करे और अजर व सवाब का तलबगार हो। फिर इसी तरह शहीद पर सब्र, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह की वालिदा सैयदा असमा सख्त बीमार हुई तो वो उनकी आदत के लिए आए। वालिदा ने इनसे कहा, बेटे दिल में ये आरजू है कि 2 बातों में से एक जब तक देख न लूँ तब तक अल्लाह मुझे ज़िंदा रखे। एक ये कि तू मैदान जंग में शहीद हो जाए और मैं तेरी शहादत की खबर सुनकर सब्र की सआदत हासिल कर लूँ। ये नामों के साथ रजी अल्लाह अन्हु व रजू अन्हु लग जाना, एक ये कि मैदान जंग में तू शहीद हो जाए और मैं तेरी शहादत की खबर सुनकर सब्र की सआदत हासिल कर लूँ। इतने करीबी रिश्तों को खो देने और फिर उस खोने को सोचने, उसको बकायदा प्लान करने, फिर उसको मुंह से भी निकाल देने, मुंह से निकाल के बतला भी देने, उसको तमन्ना और ख्वाहिश बना लेने तक का सफ़र, और उसको अल्लाह से मांग लेने, ये सिर्फ उसकी दी हुई मोहब्बत के साथ मुमकिन है। और सिर्फ इस कमिटमेंट के साथ मुमकिन है कि मेरी ज़िंदगी मेरी मौत अल्लाह सिर्फ तेरे लिए, तू मुझे सबसे पहले, बेटे से भी पहले, या तो तू फतह पाए और मैं तुझे फातिह देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह का करना कि अब्दुल्ला बिन जुमैर रजी अल्लाह ने वालदा की ज़िंदगी में ही जाम शहादत नोश फरमा लिया। शहादत के बाद हज्जाज ने इनको सूली पर लटका दिया। सैयदा असमा काफ़ी ज़यीफ़ हो चुकी थी लेकिन इंतहाई कमज़ोरी के बावजूद भी वो रिक्कत आमेज़ मंजर देखने के लिए खुद चल कर आई और अपने जिगर गोशे की लाश को देख कर रोने पीटने के बजाय नहायत सब्र और इस्तकलाल के साथ बोली, इस सवार के लिए अभी वक्त नहीं आया कि घोड़े की पीठ से नीचे उतर आए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती, और मैं और मेरे से जुड़ी हर चीज अल्लाह तेरे लिए, मैं और मेरे से जुड़ा हर रिश्ता अल्लाह तेरे लिए, मैं और मेरे से जुड़ा हर जज्बा मालिक तेरे लिए, मैं और मेरे से जुड़ी हर खुशी रब तेरी खातिर कुर्बान। तो सब्र कैसे किया जाए? सब्र करने से पहले ये तसव्वुर और नियत की जाए कि मैं इस ज़ात आली की खातिर सब्र कर रहा हूँ जो इस आजमाइश में मुझसे इसी सब्र की तवक्को कर रहा है। फिर उसके बड़े बड़े सवाब और अजर के वादे याद किए जाएं, अपने नफ्स को याद दिलाया जाए कि जिन नाफरमान लोगों ने सब्र नहीं किया था उनका क्या अंजाम हुआ, और ये कि मेरे सब्र ना करने से उसकी तरफ से जो मुकर्रर हो गया है वो फैसले में नहीं बदल सकती, फिर मैं क्यों बेसब्री, शिकवा, नाराज़गी का इजहार करके उस अजर से महरूम हो जाऊँ जो अल्लाह के हाँ से उस सब्र के बदले में मुझे मिलने वाला है। कितनी समझदारी और ज़िम्मेदारी की बात है, समझदारी और ज़िम्मेदारी है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सब्र करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको सब्र बख्श देंगे, और सब्र से ज़्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटने वाली बख्शिश किसी को नहीं मिली और कोई नहीं है। सबसे बड़ी अता, सबसे बड़ी बख्शिश सब्र की सिफत है जो अल्लाह किसी को दे दे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, वस्बिरू वमा सब्रुका इल्ला बिल्ला,
सबर की तौफीक अल्लाह देने वाले हैं, सबर करो, अल्लाह की तौफीक ही से सबर मिल सकता है। कोशिश करने वाले को तौफीक भी नसीब हो जाती है। आपने फरमाया सबर की तौफीक जिसे दी जाए समझ लो इससे बेहतर उम्दा नेमत किसी को नहीं मिली। जिसको सबर करना आ गया ना, जिसके पास ये नेमत आ गई है, समझ लो ये अल्लाह का बड़ा ही खैर इसको दे दी अल्लाह ने। फिर सबर जैसी नेमत की तौफीक हासिल करने के लिए कोशिश की जाए, और उसके लिए सबसे पहला काम दुआ करना है। किसी भी ऐसे मौके पर अल्लाह सुभाना व तआला का अजर व सवाब का वादा जहन में लाकर इसी का सिखाया हुआ कलमा कसरत से दोहराएं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और कुरानी दुआ, रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। फिर मसनून दुआ भी बहुत फ़ायदा देती है, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लुफ़ ली खैरन मिन्हा। अल्लाह मुझे इस मुसीबत पर अजर अता फरमा और इसका बेहतरीन इवज़ मुझे दे दे। फिर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसी भी किस्म के रंजो गम के मौके पर जो इलाज सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है वो यही है कि अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू किया जाए, इसके कुर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस किया जाए। कुर्ब का दिल करता है किसी को जाके, जब जब तकलीफ़ पहुँचती है तो दिल करता है किसी को जाके हाल दें, और यहीं पर हम मार खा जाते हैं, अपने अपने जैसे को हाल दे देते हैं, यहीं पर मार खा जाते हैं। जब हाल देने को दिल करे, जब किसी कुर्ब को दिल करे, वो मौका है, वो इंतज़ार कर रहा है, वो देख रहा है अब कहाँ जाता है। वो सिचुएशन लाया वो इसलिए था कि बंदा मेरे पास आएगा, हमने स्टेयरिंग मोड़ के कहीं और निकल जाते हैं अपने ही जैसे के सामने। फिर वो मिलता नहीं है वहाँ से जो उस वक्त हमारी नीड होता है, उसके पास तो था ही नहीं, वो आपको कैसे दे, वो आपको कहीं और किसी और सीढ़ी पे चढ़ा देते हैं। सीढ़ी पे चढ़ते हैं आप, टॉप पे बैठ के आपको लगता है हम कहीं पहुंच गए, नीचे से वो सीढ़ी खींच लेते हैं, क्योंकि वो मंजिल थी ही नहीं, मंजिल कहीं और थी। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का फरमान है, ए आदम के बेटे, अगर इब्तदाए सदमा के वक्त तू सबर कर ले, इब्तदाए सदमा के वक्त, टॉप एग्जैक्टली उस वक्त जब आपको पेन फील हो रहा है बिल्कुल स्टार्ट, और अजर का तलबगार बन जाए, तो मैं जन्नत से कम किसी सवाब पर तेरे लिए राजी ना होऊंगा, फिर सिर्फ तेरा अजर जन्नत है। सैयदा अनस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम का एक ऐसी औरत के पास से गुजर हुआ जो एक कब्र के पास बैठी रो रही थी, दूसरी रवायत में मिलता है उसके बच्चे की कब्र थी वो। आपने फरमाया अल्लाह से डरो, सब्र करो। औरत बोली जाओ अपना काम करो, आपको मुझ जैसी मुसीबत का सामना नहीं हुआ है, तुम्हें क्या पता मुझे कितनी तकलीफ पहुंची। औरत ने आपको पहचाना नहीं था, जब उसे बताया गया ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो वो आप सल्लम के दरवाजे पर आई, वहाँ कोई दरबान नहीं था, वो माजरत करते हुए कहने लगी मैंने आपको पहचाना नहीं था। इस पर आपने फरमाया सब्र तो पहली चोट पर होता है, अस्सब्रु इंदस सदमतिल ऊला, अस्सब्रु इंदस सदमतिल ऊला, सब्र पहली चोट पर होता है। आपने भी उसे ये नहीं कहा कि जाओ जाओ पहले तो बात मानी नहीं, अब आ गई हो सॉरी करने, मुझे क्या, मैं तुम्हारा ही भला सोच रहा था, फिर तुम्हें कोई वापस मिल जाएगा, नहीं, आपने एक बात की, सब्र पहली चोट पर होता है, पूरी उम्मत को बता गए। दूसरों को सब्र की तलकीन करते रहना, ये सीने में हक होने की और सब्र पर कायम रहने की मोमिन की सिफत है। साले बंदों की सिफत बयान करते हुए सूरत असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व तवासव बिल हक व तवासव बिल सब्र। ये दो ऐसी सिफात हैं जिनके बाद ईमान और अमले साले मुकम्मल नहीं होते इनके बगैर। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, खसारे से बचना मुमकिन नहीं है जब तक ईमान, अमले साले और सब्र और हक बात की नसीहत ना हो। सारे मुसलमान मिलकर एक दूसरे के जिस्म की तरह हैं, अगर इसकी एक आंख दुखे तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है, सर में दर्द हो तो सारा जिस्म तकलीफ में होता है। इसलिए इस उम्मत को एक दूसरे को हक बात करने और सब्र की तलकीन करने का हुक्म दिया गया, और इसको इतना बड़ा मकाम दिया गया कि अमले साले और ईमान इन दोनों के बगैर नामुकम्मल है। और हमें ये सब्र करना फ़ायदा दे सकता है, इसको याद रखना आसान हो सकता है, अगर हम अल्लाह सुबहाना व तआला की बात को याद रखें, क्या तुमने आखरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया,
दुनियावी ज़िंदगी का ये सब सरो सामान आख़रत में बहुत थोड़ा निकलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मिसाल आख़रत के मुकाबले में बस ऐसी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली दरिया में डालकर उसे निकाले, देखे तो सही पानी की कितनी मिकदार उसके साथ लग कर आई है। याद रखिए, जिसके लिए जिसका जितना बड़ा गम उसकी दुनिया है, उतना बड़ा वो दुखी है दुनिया में। दुनिया को जितना बड़ा गम बनाते जाएंगे, उतने उतने दुखी रहेंगे। سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام